और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। कांग्रेस विधायक दल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मुलाकात की, साथ ही कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए चर्चा की, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों को आश्वासन दिया कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। करीब एक घंटे की चर्चा में कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई, साथ ही कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव की बात भी सीएम मोहन को बताई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम से प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर कार्रवाई की मांग की, साथ ही कांग्रेस विधायकों को विकास कार्यों के लिए राशि नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव की बात कही। प्रकार से प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे, चाहे एसटी एससी पे, चाहे महिला पे, बलात्कार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, तो मैंने कहा इसके अंदर क्यों न कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं आना चाहिए, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए इस पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब बातों पर पूरी सब विधायकों की बात सुनी, चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया और आने वाले 5-7 दिन के अंदर इन मुद्दों पर वो अपने विभाग की बात करके समीक्षा करके एक बार का होता है। वहीं कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों को उनकी बातों पर सुनवाई का भरोसा दिया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा, सरकार जो कर सकती वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं, 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। इस मुलाकात के पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी, लेकिन कांग्रेस विधायकों की बातों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आश्वासन के बाद अब देखना होगा मध्य प्रदेश की राजनीति का क्या नया रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।